ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर, और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। ये पूरे शरीर पे चोटें लगी। कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। क्या बोल रही है? तो गाइज आज हम सीखेंगे कि जिंदा झूठ कैसे बोला जाता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक लड़की बीच चौराहे पे एक कैब ड्राइवर को लगातार 22 थप्पड़ जड़े और फिर उसके बाद कंप्लेन कर दी लड़के पे। युवती पर नहीं चालक पर हुई कार्रवाई। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी कहानी बताऊंगा, और जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले पार्ट वन देखो, फिर जाके समझ में आएगा कि पार्ट टू क्यों बनाया है मैंने और पार्ट टू क्यों बनाना जरूरी था। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे विमेन्स एम्पावरमेंट, क्या होता है फेमिनिज्म, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत? हाँ लड़का गलत। भाई चांद मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, मैंने कंप्लेंट लिखी थी और मैंने कहा था उनपे FIR करिए। थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पूरी कहानी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो क्या सीन था, लड़की ने लड़के को मारा, ट्रैफिक वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग कर रही थी लड़की, वो खुद बता रही है जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग उसने ग्रीन लाइट में किया था, अपनी ग्रीन लाइट में, समझे, गाड़ियों की नहीं। जबकि हमने देखा क्या, गाड़ियों का ग्रीन लाइट था, गाड़ी जा रही थी लगातार में, और वो बीच में क्रिस की तरह, देख रहे हो तुम लोग, यहाँ देख लो वीडियो चल रहा होगा, तो यहाँ देखो कैसे क्रिस की तरह जेब्रा क्रॉसिंग कर रही है ये। अब बीच में कैब ड्राइवर आया और वहीं पे जाके रोक दिया क्योंकि सामने आ गई थी, और सामने लड़की पहले से आके रुकी है, ये नहीं कि एकदम उड़ाने ही वाला था। देखो सामने लड़की रुक गई और तब जाके गाड़ी कैब ड्राइवर रोका। बस कैब ड्राइवर को रोकते ही जो उसने, भाई साहब पहले तो देखो हेडलाइट तोड़ा है, पहले ध्यान से देखो वीडियो को, पहले हेडलाइट उसका तोड़ दिया, मिरर लाइट, साइड मिरर लाइट जो होता है उसको तोड़ दिया, हेडलाइट नहीं साइड मिरर लाइट तोड़ के, अब देखो क्या कर रही है, फोन तोड़ा, मतलब देख रहे हो, उसके बाद गाड़ी में से निकाल के चाटे मारे, उसके बाद देखो ये साइड में गई, रोड के किनारे जाके पत्थर उठाया, और अब देखो ये गाड़ी पे देखो पत्थर दे मारा, ये देखा, अब इसके बाद और खिड़की से निकाल के उसको, गेट खोल के उसको जो चाटा लगाया है। अब बीच चौराहे पे दे थप्पड़ कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ तो वीडियो में जड़े, उससे पहले भी पता नहीं कितने थप्पड़ जड़े हैं जो CCTV में दिख रहा है। वीडियो बनाना तो लोग बाद में स्टार्ट करते हैं ना, जब कुछ कांड हो जाता है तो कुछ थप्पड़ तो पहले भी खा चुका था वो कैब ड्राइवर, उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट की। उसके बाद वहां पे पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस सब देख रहे हैं वहां पे खड़े होकर, उतने सारे लोग देख रहे हैं। फिर गई पुलिस स्टेशन और कंप्लेन किस पे की, लड़के पे, लड़की पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसा कि तुम लोग देख रहे हो और सुन रहे हो। देखो तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या ये है आपका? लड़के पे हुआ, ठीक है, 24 घंटे के लिए बंद कर दिया लड़के को पुलिस वालों ने अंदर। अगले दिन जाके जब बहुत कुछ कांड हो गया, वीडियो वायरल हो गया, बहुत सारे वीडियो बना, वायरल हो गया एक तरह से वो वीडियो, तब जाके लड़के की FIR रिपोर्ट हुई, समझ रहे हो? उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है। देख रहे हो आप बचने के लिए क्या विक्टिम खेल रही है ये, जब पूरी दुनिया के सामने ये हरकत दिख गई, CCTV फुटेज आ गया, वीडियो सबके सामने, कौन किसको मारा है, और अब क्या विक्टिम खेल रही है। देखो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए, हड्डी भी तोड़ दी थी। 100 लोग और थे, 300 मीटर तक, क्या क्या सीन क्या चल रहा है ये भाई साहब। जिंदा झूठ बोलना सीखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सीखो तुम।
जिंदा झूठ कैसे बोला जाता है। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ जूते मंगवाए हैं तो उसको देख लो, पहले देख लो फिर बात करते हैं। हमारा पहला शूज है बिल्कुल लाइट वेट और कैनवास लुक में, जिसे आप डेनिम और जॉगर्स पे पहन के आउटडोर के लिए यूज कर सकते हो, देख लो 519 का। दूसरा शूज हमारा ये है जो कि रनिंग, जिमिंग और आउटडोर यूज के लिए आप पहन सकते हो, बिल्कुल 5-स्टार पॉलिसी है गाइस खरीदने के लिए। और गाइस इसका अपर मटेरियल मेस का है और ईवा सोल है, जिसकी वजह से ये रनिंग जिमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये शूज गाइस अगर आप डील ऑफ द डे 24 घंटे के अंदर खरीदते हो तो फिर आपको पड़ेगा 499 का। तीसरा शूज हमारा ये जेड ब्लैक है गाइस, इन सब शूज को परचेस करने के लिए आपको मिनिमम 50-80% ऑफ मिलेगा एमआरपी, और न्यू कस्टमर्स को 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, और आप लोग तो न्यू ही हो। ये शूज देखो ये आपको 499 का मिल रहा है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है अदर वेबसाइट पे वो है 680, आप खुद प्राइस कंपैरिजन देख लो गाइस। सबसे बेस्ट चीज मुझे यहां से शॉपिंग करने के लिए ये लगा कि ये कैश ऑन डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, 5-डे रिटर्नेबल है, 5-डे एक्सचेंजेबल है, है ना, सस्ते में अच्छा जूता, मतलब मस्त है ना, एकदम कंटाप, इसे पहन के कहीं भी घूम सकते हो। तो मतलब जीन्स पे पहन लो, कैजुअल कैजुअल सूझे यार, कैसा भी पहनो, एकदम फोटो वोटो क्लिक कराने के लिए, वीडियोस तुम बनाते होगे अगर रील्स वील्स बनाने के लिए भी बहुत सही है जूते ये। तो ये तुम इतने सस्ते में ऐसे स्टाइलिश जूते खरीद सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डायरेक्टली जाओ और खरीद लो। लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, लड़का लड़की को एक समझो, तो लड़का लड़की को एक ही इंसाफ मिलना चाहिए ना। सिर्फ लड़की की ही रिपोर्ट क्यों वहां पे दर्ज हुई थी, लड़के की रिपोर्ट लड़का बोलते रहा जैसा कि ये बोल रहा है, लड़का बोलते रहा लेकिन इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्यों? इक्वलिटी की बात करते हो आप, यहाँ पे इक्वलिटी सही बोल रहा था ये लड़का, एक बार सुनना इसकी बात। अगर ये मार देता है, अगर एक थप्पड़ इसने खींच देता या टच भी कर देता तो कौन कौन सी धाराएं लगा देती ये लड़की आंखों में, छू लेते अगर बाई चांस, मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। रेप थ्रेट पता नहीं क्या क्या लगा देती, हरासमेंट बोल बहुत सारा कुछ लगा देती, इस पे कितनी धाराएं लगा देती, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाती उसी टाइम पे। हैं, वो तो इंसानियत थी इसके अंदर, इसने कभी लड़की पे हाथ उठाना नहीं सीखा था तो नहीं उठाया हाथ इसने, रेस्पेक्ट दिया लड़की को, और लड़की ने क्या दिया इसे लगातार ये। ये सब चीजें देखने के बाद, इतने सारे चाटे पड़ने के बाद, मैं एक ही चीज उस कैब ड्राइवर को कहना चाहता हूं कि भाई टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, तुम्हें ड्राइविंग सीखना चाहिए किससे मालूम है, सेलोमोन बॉय से सीखो जाकर उनसे यार, वो फुटपाथ के लोगों को नहीं छोड़ते, तुम तो ग्रीन लाइट में छोड़ रहे हो यार। गाइस मजाक कर रहा था, इसको सीरियस मत ले लेना तुम लोग, वरना मेरे पे भी कुछ केसेस चलने लगेंगे। अब मुझे तुम लोग ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सही होना चाहिए था, अभी जो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मांग रहा है लड़का, इसको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए कि नहीं, बीच चौराहे पे जो ये मार खाया है, है? बीच चौराहे पे जो इसकी इज्जत गई है, ये इसे चाहिए कि नहीं? इसके जगह कोई लड़की होती तो अभी क्या हो जाता, क्या हंगामा खड़ा होता, कुछ सोचा है? अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दो कि क्या होना चाहिए। गाड़ी भी तोड़ी, क्या कुछ हुआ था? मोबाइल तोड़ा मेरा, स्क्रीन टच, वो मालिक का मोबाइल था मेरे, और मेरी गाड़ी साइड से तोड़ी, और मेरे जो पैसे रखे थे वो भी। अभी अभी तो मुकदमा हो गया है ऐसा बताया जा रहा है उसके ऊपर, अभी क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर, मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए, और बस। ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, लेकिन सारी गाड़ियाँ ही लॉ को वायलेट कर रही थी। क्लियरली दिख रही है सीसीटीवी फुटेज में कि कौन ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रही है, और ये लड़की क्या कैसे कह रही है भाई, कहाँ से चल के आ रही है पहले देखी, गाड़ियां चल रही है और तुम चलते जा रहे हो, सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है, लाइट मॉडिफाई थी, पहले ही चल रही थी, ठोकने वाली थी। जो झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, उसको क्रॉस मत करो यार, उसको क्रॉस करोगे तो क्या बोलूं रे मैं इसे। मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर, और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? बहुत मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, देख रहे हो इसके दाग दिखा रही है कैसे, ये देखो कहाँ कहाँ मारा, ये देखो, देख रहे हो टूटा हाथ भी, टूटा हुआ बोल रही है। ओ भाई साहब, टूटा होता ना तो अभी हॉस्पिटल में बैंडेज के साथ होती, लो आज भी यही बैंडेज के साथ, अरे परसों तो ठीक ठाक थी जब रिपोर्ट में बता रही थी हाथ वाथ टूटा है, कल टूटा है क्या ये? परसों का फोटो ये और कल का फोटो ये, देख लो, इसे कहते हैं जिंदा झूठ।
ओ भाई साहब, भाई दुनिया जानती है तुम्हारे बारे में, अब मत विक्टिम कार्ड खेलो। ओके तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब अभी दबाओ, बटन दबाओ अभी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ। और इस वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक का, हो जाएगा? शेयर करो इसे, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, दिखना भी तो चाहिए ना। चलो शेयर करो अपने दोस्तों को और 5000 लाइक करवा दो जल्दी से फटाफट। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।